कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मारनी होता है। मारनी को पिछले एक साल से जेल में रखा गया था क्योंकि उसने अपने ही पति का कत्ल कर दिया था, लेकिन अब उसे अच्छे बिहेवियर के चलते जेल से सीधे घर में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी कड़ी निगरानी में रखा जाता है। तभी उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहनाई जाती है जिसकी वजह से वो घर में घूम तो सकती थी, लेकिन अगर वो घर से भागने की कोशिश करेगी तब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुद रिंग करने लगेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रेंज 100 फीट होती है, यानी कि मारनी अपने घर से 100 फीट दूर ही जा सकती थी। वहीं मारनी पर एक पुलिस ऑफिसर निगरानी रखने वाला था जिसका नाम सैंक होता है। फिर सैंक मारनी को डिवाइस से लॉक करने के बाद उसकी चाबी को अपने पास रख लेता है और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ सैंक मारनी पर थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करता है। वो मारनी को समझाता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। असल में सैंक इसलिए उससे रूडली बात कर रहा था क्योंकि मारनी ने उसके दोस्त का मर्डर किया था, यानी कि मारनी का पति और सैंक एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन यहाँ मारनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने अपने पति को सेल्फ डिफेंस में मारा था क्योंकि वो मुझे मारने वाला था। ये बात सैंक को बुरी लगती है क्योंकि वो अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहता था। वो मारनी से कहता है कि तुम्हें अब अपने नाटक को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ मारनी भी समझ जाती है कि वो सैंक को समझाकर सिर्फ अपना समय जाया कर रही है। खैर सैंक के जाते ही मारनी अपने घर को देखने लगती है। उस घर की ठीक वैसे ही हालत होती है जैसे कि एक साल पहले उस हादसे के दिन था। दीवार पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। वहीं मारनी घर में अपने पति की किसी भी चीजों को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उसके सभी कपड़ों को इकट्ठा कर उन्हें एक बक्से में डाल देती है और उसे बेसमेंट में रखने ले जाती है। लेकिन बेसमेंट का एंड 100 फीट से ज्यादा था, इसलिए वो उन्हें सीढ़ियों से ही फेंक देती है। इसके बाद मारनी घर के साफ सफाई में लग जाती है। वो उन खून के धब्बों को हटा देती है जो दीवार पर लगे हुए थे। फिर सब कुछ सेट करने के बाद मारनी सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इसी बीच घर की लाइट भी चली जाती है। पर अच्छी बात ये थी कि घर में कैंडल थी। फिर मारनी उन्हें जलाकर अंधेरे को खत्म करती है, लेकिन एक हवा का झोंका उससे भी बुझा देता है। मारनी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो सोने के लिए चली जाती है। यहाँ आधी रात ही हुई थी कि तभी उसे कोई आवाज आने लगती है। वो बिना डरे उस आवाज को फॉलो करती है। तब वो एक आदमी को देखती है। वो आदमी पिछले एक साल से मारनी के घर में रह रहा था और वो आदमी मारनी को देखकर वहां से भाग जाता है। अब मारनी भी उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और हर दिन की तरह अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक रात जब वो स्मोक करने जाती है तभी उसके सामने एक भयानक चेहरा दिखता है जिसे देख मारनी डर जाती है क्योंकि वो शक्ल किसी और की नहीं बल्कि उसके मरे हुए पति की थी। खैर मारनी इस चीज को देखने से इनकार करती है, लेकिन तभी मारनी का पति मारनी के पीछे पीछे आने लगता है जिससे मारनी भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मारनी के पैर सीढ़ियों से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं। फिर जब मारनी की आंखें खुलती हैं तब वो सैंक को अपने सामने पाती है। यहाँ सैंक की नजर मारनी के चेहरे पर जाती है जहाँ थप्पड़ का निशान बना हुआ था, लेकिन वो उसकी जांच ना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद मारनी की नजर उस दीवार पर जाती है जहाँ उसने साफ सफाई करके ब्लड हटाया था, लेकिन वो खून अब वापस आ चुका था। अब मारनी का डर बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वो सही था या उसकी इमेजिनेशन, पर उसका शक जल्द ही दूर हो जाता है जब मारनी को किचन में अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ सेल्वेस मारनी के ऊपर गिरने लगते हैं जिससे मारनी को समझ आ जाता है कि उस पर उसके ही पति का भूत हमला कर रहा है। लेकिन मारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक तरफ उसके पैर में बंधन था, वहीं बाहर सैंक तो था लेकिन वो मारनी पर भरोसा ना करता, इसलिए मारनी खुद उस भूत से लड़ने का सोचती है। वो उस भूत को गुस्से में बुरा भला भी कहती है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलता बल्कि मारनी को वो बहुत दिन ब दिन और परेशान करने लगता है। कुछ दिन बाद हम मारनी को जोई से बात करते हुए देखते हैं। जोई असल में ग्रोसरी डिलीवरी वाला था जो शुरू में मारनी का फूड डिलीवर करने आया करता था, लेकिन उसे अब मारनी से प्यार हो चुका था। जहाँ पूरी दुनिया मारनी को अपने पति का दोषी मानती थी, वहीं जोई इकलौता इंसान था जो मारनी को निर्दोष समझता था। वहीं कुछ समय बाद मारनी जब उस भूत को भगाने का इलाज ढूंढ रही थी तभी उसे एक जानकारी मिलती है जहाँ वो भूत को कुछ तरीकों से भगा सकती थी, जिसमें सबसे पहला तरीका ये था कि मारनी को अपने पति से
से छुटकारा पाने के लिए उसके सभी सामान को घर से बाहर फेंकना होगा। वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उन कपड़ों पर जाती है जिन्हें उसने बेसमेंट के बीच में फेंका था। वो खुद हिम्मत करके उन कपड़ों को लेने पहुंच जाती है और तभी वो रिंग भी बजने लगता है। तभी मारनी के पति का भूत उस पर हमला कर देता है और मारनी दीवार से जा टकराती है। वो खुद को संभाल कर उन कपड़ों को इकट्ठा करके बाहर फेंक देती है। तभी वहां पर सैंक भी आ जाता है। सैंक असल में काफी शोर सुनकर अंदर आया था। वो मारनी को देखकर हैरान था क्योंकि इस बार भी उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। सैंक को लगता है कि मारनी को वही आदमी परेशान कर रहा है जिसने मारनी के पति को मार पूरा शक उसके ऊपर डाल दिया था। वो मारनी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन सैंक तब हैरान हो जाता है जब मारनी उसे सच्चाई बताती है। सैंक को अब भूत वाली बात मालूम थी, लेकिन वो मारनी पर विश्वास ना कर उसे पागल साबित कर देता है। वो मारनी को कुछ ना बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं मारनी को पहले से पता था कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, जिसके बाद मारनी दूसरे तरीके को अंजाम देने वाली थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पति का भूत इस घर से गायब नहीं हुआ है, यानी कि कोई ऐसी चीज छूट गई थी जो उसके पति की थी। इसलिए मारनी हर तरफ उस चीज को ढूंढने लग जाती है और काफी मेहनत के बाद उसे फ्लोर के नीचे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। यहाँ मारनी को समझ आ गया था कि उसके पति का भूत इसलिए ही उस घर में रुका हुआ था। मारनी उन पैसों को बाहर फेंकने की और डोनेशन करने की भी सोचती है, पर कोई भी उस पैसे को लेने से मना कर देता है। आखिर में मारनी अब अपने दूसरे तरीके को अपनाने लगती है जहाँ वो धुएं के जरिए घर में हर तरफ फैला देती है। दरअसल मारनी इसके जरिए अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहती थी ताकि उसके पति का भूत हमेशा के लिए चला जाए, लेकिन वो गलत थी क्योंकि वो अब मारनी पर काफी गुस्सा हो चुका था। वो भूत अब मारनी को हर तरीके से मारने की कोशिश करता है। वो कील और फर्नीचर को हवा में उड़ाकर उस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ मारनी के पति का भूत मारनी को पूरी तरह से नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो मारनी को उसी तरह परेशान कर रहा था जैसे वो जिंदा होने पर किया करता था। वो मारनी को खूब मारता और पीटता जिससे मारनी के शरीर पर कोई डैमेज नहीं आती, इसलिए मारनी के कई कंप्लेंट्स पर भी उसके पति को रोका नहीं गया। खैर अब मारनी अपने पति के भूत से पूछती है कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तब वो जवाब में उसका नाम लेता है। अब मारनी को समझ आ गया था कि वो उसे अब मार के ही रहेगा। और जब रात होती है तब मारनी बड़ी हिम्मत के बाद जोई को अपने घर में बुलाती है। यहाँ दोनों बातों ही बातों में काफी क्लोज आ जाते हैं और तब उनकी नजदीकियाँ एक गलत काम को अंजाम दे देती हैं और मारनी का पति ये सब देख रहा होता है। अब मारनी भी अपने पति को दिखाना चाहती थी कि वो उसकी कभी थी ही नहीं, इसलिए मारनी का पति पूरी रात कुछ नहीं करता। और जब अगली सुबह होती है तब मारनी देखती है कि उसका पति अब गुस्से में जोई को मार रहा है। जोई के लिए ये सब नया था, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मारनी उसके जान के लिए अपने पति से भीख मांगती है, पर उसका पति एक नहीं सुनता और वो जोई को काफी दर्दनाक दर्द के साथ एक बुरी मौत दे देता है। अब मारनी के सामने जोई की लाश पड़ी थी, वो उसे देखकर हैरान थी, लेकिन तभी उसके घर पर सैंक की दस्तक होती है। मारनी जानती थी कि अगर सैंक ने जोई को इस हालत में देख लिया तब वो उसे ही खूनी समझेगा, इसलिए वो खुद की मेहनत पर जोई की लाश को फ्लोर के नीचे छुपा देती है और तब वो सैंक को घर में आने देती है। असल में सैंक को मालूम पड़ चुका था कि जोई कल रात को मारनी से मिलने आया था, लेकिन वो जोई को वहां न पाकर काफी हैरान था। वो मारनी से काफी पूछताछ भी करता है, लेकिन मारनी उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसे जाने को कहती है। तभी मारनी की धड़कन तब तेज हो जाती है जब सैंक उसी फ्लोर के ऊपर खड़ा था जहां जोई की लाश छुपी हुई थी। तभी अचानक से वो फ्लोर टूट जाता है और सैंक को जोई की लाश दिख जाती है। यहाँ सैंक अब सब कुछ समझ चुका था। वो मारनी को उसका दोषी मानकर उसे अरेस्ट करने लगता है और जब वो उसे लेकर घर के बाहर पहुंचने ही वाला होता है तभी वो भूत फिर से वहां जाता है, क्योंकि वो मारनी को उससे दूर नहीं जाने दे सकता था। वो सैंक के पैर को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है। वो भूत अपने कारनामे से सैंक को चौंका देता है। अब उसे समझ आ गया था कि मारनी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उस घर में कोई तो भूत था। सैंक का शक तब दूर हो जाता है जब मारनी के पति की आत्मा सैंक के सामने आ जाती है। वो उसे देख काफी हैरान था कि उसका दोस्त मरने
के बाद इतना खतरनाक है। सैंग को समझ आ गया था कि उसने मारनी पर शक करके सबसे बड़ी गलती की थी। अब वो भूत मारनी पर हमला करने लगता है, लेकिन सैंग उसे बचाने की काफी कोशिश करता है और तभी सैंग के शूटिंग से घर में आग भी लग जाती है। तभी वो भूत सैंग और मारनी को नीचे बेसमेंट पर फेंक देता है, लेकिन यहाँ मारनी खुद को संभालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ वो सैंग के पॉकेट से अपने डिवाइस की चाबी ले लेती है और वो डिवाइस को अनलॉक कर वहाँ से भागने लगती है। वो बाहर आ भी जाती है, लेकिन तभी उसे सैंग का ख्याल आता है, इसलिए वो काफी सोचने के बाद उसे भी बचाने चल देती है। पर इस बार जब वो सैंग को लेकर बाहर आती है, तब मारनी के पति का भूत मारनी को जाने नहीं देता। वहीं सैंग कैसे भी करके बाहर आ चुका था और वो मारनी को ना देखकर हैरान होता है। वहीं मारनी के सामने उसका पति आ जाता है। मारनी अपने रिंग को निकाल कर उसके ऊपर दे मारती है। यहाँ वो अपने पति को बताना चाहती थी कि वो उसे भूल चुकी है, इसलिए वो भी उसे भूल जाए। अब कहीं ना कहीं मारनी का ये आइडिया काम करता है। अब मारनी का पति खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा। अब भूत के जाते ही मारनी घर के बाहर आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि सैंग कब मारनी को कैद नहीं बल्कि वहाँ से कहीं दूर चले जाने को कहता है, क्योंकि भले ही वो मान चुका था कि मारनी निर्दोष है, पर लोग इस बात से इनकार कर देंगे। अब मारनी वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। यहाँ न्यूज में बताया जाता है कि एक लड़की जिसने अपने पति को मारा वो आग का शिकार हो गई है। इस खबर से सभी की नजर मारनी से हट जाती है और मारनी रियलाइज करती है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।